है कि माननीय मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि दोबारा फिर मुख्यमंत्री कैसे बने, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। केवल उनको पद चाहिए, और चूंकि 43 से हमारे साथ आए तो 45 हुआ था, अब वो चाहते हैं कि 100 हो जाए। अब ये महाजंगल राज है जहाँ बीजेपी के नेता पिस्तौल और बंदूक लेकर लहरा रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं। यहाँ की जनता ने करवट लिया है और कह दिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आपको मैं बता रहा हूँ सारे लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे शुगर चुके हैं फर्स्ट बिहार मैसेज आपके साथ। हाल ही में बिहार में IGMIS में डॉक्टरों को धमकाने और पिस्तौल लहराने का मामला भाजपा नेता द्वारा सामने आया है, जिसको लेकर सभी विपक्षी नेता एक के बाद एक भाजपा पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में RJD विधायक भाई नरेंद्र भी भाजपा और नीतीश कुमार पर खूब भड़कते नजर आ रहे हैं। साफ साफ नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि वे सिर्फ पद के ठेके हैं और उन्हें बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। किस तरह से भाजपा जंगलराज ला रही है, किस तरह से डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है बिहार, वो भड़कते नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं RJD विधायक भाई नरेंद्र। सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि दोबारा फिर मुख्यमंत्री कैसे बने, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बिहार के लिए तो कुछ करना नहीं है, और न जनता के विषय में, न बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विषय में सोचना है। केवल उनको पद चाहिए, और चूंकि 43 से हमारे साथ आए तो 45 हुआ था, अब वो चाहते हैं कि 100 हो जाए। अब उनको 0 पर आउट होना है, और जदयू नाम की कोई पार्टी अब रहने वाली नहीं है। अरे हम ईडी से घबराते नहीं है, ईडी चले CBI चले। अब तो उनसे पूछिए, बीजेपी के नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि जंगल राज कौन का कहलाता, उसका उदाहरण क्या है जंगल राज का। ये महाजंगल राज है जहाँ बीजेपी के नेता पिस्तौल और बंदूक लेकर लहरा रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं और गाली भद्दी गालियां दे रहे हैं। यही राज है बीजेपी का सुशासन, तथा कथित सुशासन का। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए कि IGMS जैसे जगह में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। जो डॉक्टर सुरक्षित नहीं होगा वो मरीजों का क्या इलाज कराएगा। यही शासन है, ये प्रचार तंत्र है इनका, और महाजंगल राज है बिहार में, और देखने को मिला है, आपने देखा है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा जो है वो सुनिश्चित हो गया, कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं। अरे यहाँ राजनाथ बाबू आमे, मोदी जी आमे, चाहे अमित शाह आमे, यहाँ की जनता ने, यहाँ की ये समाजवादियों का घर रहा है। यहाँ की जनता ने करवट लिया है और कह दिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आपको मैं बता रहा हूँ सारे लोगों को कि हमारी बात जो है वो सच निकलती है, और इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ईडी की छापेमारी लगातार, अरे अब ईडी करे चाहे CD करे CBI करे, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। जैसे कि आपने सुना, किस तरह से भाई नरेंद्र नीतीश कुमार को इशारा साधते हुए कह रहे हैं कि ये तथाकथित सुशासन की सरकार है और इस बार JDU कोई पार्टी नहीं रहने वाली है। वो जितनी ज्यादा वो सीटों की लालच कर रहे हैं, इस बार 0 पर आउट होंगे, इसके साथ साथ भाजपा पर भी वह बोलते नजर आए हैं। तो किस तरह से भाई नरेंद्र IGMIS वाले कांड पर बोलते और फंसते नजर आए हैं, आपने सुना। तो इस वर्ष सुनना ही और फोटो के बदले हमारे साथ। धन्यवाद।